गुड मॉर्निंग क्लास एट बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑफ सिविक्स, दैट इज़ रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड लॉ इन इंडिया. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ पार्लियामेंट अनेबल्स सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट. बेटा, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाती है. दस इट मेक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये मेन की फीचर है और इंडियन डेमोक्रेसी का मेन सिंबल जिसको कह सकते हैं हम, वो है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. लोकसभा मतलब ये हाउसेज हैं बेटा पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों के बारे में भी रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हाई शुड पीपल डिसाइड? द डिसीजन ऑफ पीपल मैटर्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज. अब एक बेटा डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो पीपल की जो होनी चाहिए वो मैटर करती है, क्योंकि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय द कंसेंट, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल और सिटीजन्स. क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बेटा, क्योंकि बेटा जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो विदाउट सिटीजन्स के अप्रूवल के, उनके कंसेंट के चल ही नहीं सकती है. द पीपल इन अ डेमोक्रेसी आर द सिटीजन्स एंड दे आर एन इंटरगल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी. जो पीपल हैं वो डेमोक्रेसी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. द पीपल इलेक्ट अ फ्यू कैंडिडेट्स हु रिप्रेजेंट देयर कलेक्टिव वॉइसेस इन द पार्लियामेंट. अब जो पीपल हैं बेटा वो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर उनका जो लोगों का जो की जो वॉइस है वो वहाँ पर रख सकें, वो वहाँ पर पहुँचा सकें. द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. अब जो इंडियन पार्लियामेंट है बेटा, अब जो बेटा ये पार्लियामेंट है वो क्या करती है, डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो इस पार्लियामेंट जो है वो उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. क्योंकि जैसे लोगों को डेमोक्रेसी के अंदर फेथ होता है, ये पार्लियामेंट जो है उनके फेथ को और बढ़ाती है. द पार्लियामेंट इन द इंडियन सिस्टम हैज़ इमेंस पावर एज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. ये लोगों की को रिप्रेजेंट करती है, उनकी पावर जो होती है उसको रिप्रेजेंट करती है. इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. अब जो स्टेट के लिए जैसे इलेक्शंस होते हैं वैसे ही पार्लियामेंट के लिए ही वैसे ही इलेक्शंस होते हैं. द लोकसभा इज इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर और इसके जो मेंबर्स हैं वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद जो है वो री इलेक्शंस होते हैं. इंडिया है नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. क्या क्या काम करती है पार्लियामेंट. इंडिया हैज़ द न्यूमरस कॉन्स्टिक्वेंसीज, ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिक्वेंसीज इलेक्ट्स वन पर्सन टू द पार्लियामेंट. कॉन्स्टिक्वेंस होता है बेटा एक एरिया, ठीक है. और जो इंडिया हैज़ बहुत सारे कॉन्स्टिक्वेंसीज मतलब बहुत सारे एरियाज़ हैं इंडिया के. अब उस हर एक एरिया से क्या होता है कि एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के लिए. द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. अब ये क्या होते हैं, जो कंटेस्ट करते हैं, जो इलेक्शन किए जाते हैं वो जो उसके मेंबर्स जो उसके कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन में जो खड़े होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, अलग अलग पार्टीज से होते हैं, अपोजिट पार्टीज से होते हैं. दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज. अब ये क्या करते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, यानी कि एमपीज बन जाते हैं. वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस द पार्लियामेंट्स नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. जब एक पार्लियामेंट बन जाती है तो उसको ये काम करने पड़ते हैं. फर्स्ट इज टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, अब ये क्या करती है, नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करती है कि पूरे नेशन के अंदर गवर्नमेंट कौन सी बनेगी.
और उसके अंदर क्या क्या आते हैं, द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। अब लोकसभा के इलेक्शंस के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी के कितने मेंबर्स जो हैं वो एमपी बने हैं। देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। अब लोकसभा के अंदर क्या होता है बेटा, टोटल 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और इसके अंदर प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लेकिन और इसके अंदर 2 जो होते हैं बेटा वो एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। अब फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म, अब जो पार्टी बननी है उसका क्या होता है, मेजोरिटी में जो पार्टी होती है जिसकी मतलब नेशनल गवर्नमेंट बननी है उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब मेंबर्स जो हैं वो उस पार्टी के ज़्यादा होने चाहिए। अ मेजोरिटी पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर्स, दैट इज़ 272 मेंबर्स और मोर। अब एक मेजोरिटी पार्टी जो है उसके पास 272 मेंबर्स तक, मतलब एटलीस्ट जितने 543 हैं तो उसके मतलब हाफ होने चाहिए उनके पास। द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी, कॉलिशन फॉर्म्ड। अब जो पार्टीज मेजोरिटी पार्टी के अगेंस्ट होती हैं, अपोजिट होती हैं, वो अपोजिशन पार्टीज बना लेते हैं जिसको कॉलिशन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब द लार्जेस्ट अमंगेस्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी। अब मेजोरिटी पार्टी के जस्ट अपोजिट में जो पार्टी है जिसके बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं वो पार्टी ओपोजिशन पार्टी हो जाती है। मीन्स एग्जाम्पल अब हम देखें तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन उसकी ओपोजिशन कौन सी पार्टी है, उसकी ओपोजिट कौन सी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। मीन्स जब गवर्नमेंट बनी थी, ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब बनी तो पार्लियामेंट में उसके जो एमपीज थे वो मेजोरिटी में थे, लेकिन जो ओपोजिशन में थे मतलब कांग्रेस के मेंबर जो ऑपोजिशन थे में थे वो जो थे वो सेकंड नंबर पे थे, मतलब सेकंड नंबर पे उनके मेंबर्स थे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे बीजेपी हो गई जो मेजोरिटी में थी, गवर्नमेंट उसकी बन गई। अब नेक्स्ट इसके अपोजिट में हो गई कांग्रेस पार्टी, मतलब उसके जो कैंडिडेट थे, उसके जो एमपीज थे वो उससे कम थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। लोकसभा का बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना। द एग्जीक्यूटिव इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट फॉर विच वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है बेटा, एग्जीक्यूटिव होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप होता है एक पर्सन्स का जो मिलकर क्या करते हैं, जो लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको फोर्स में लाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, रूलिंग पार्टी का लीडर होता है लोकसभा के अंदर। व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जॉइन टूगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इट इज़ नोन एज द कॉलिशन गवर्नमेंट। अब क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू, जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं आपस में मिलकर क्या करती हैं, एक गवर्नमेंट को बनाती हैं, आपस में मिल जाती हैं और गवर्नमेंट को बनाती हैं, तो उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं।